हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ में फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कितने इंटरनल और कौन कौन से कितने नंबर का एक्सटर्नल मार्क्स है, ये सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट है इसमें जो पहला सब्जेक्ट है आईएमईडी, तो आईएमईडी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसके बाद है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। टोटल 5 सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड एनर्जी मैनेजमेंट। जो भी कॉलेज द्वारा डिसाइड होते हैं इस चारों इलेक्टिव सब्जेक्ट में से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया जाता है और उसको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से टोटल 5 सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में आईएमईडी कहा जाता है। फिर उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसके बाद है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, और एक इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट। इस पांचों में से जो प्रैक्टिकल किन किन के प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा का, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का। 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, बाकी थ्योरी है। जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसका वीकली 5 क्लास है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल जो असेसमेंट होता है यानी इंटरनल नंबर कॉलेज तरफ दिए जाते हैं, और एक्सटर्नल नंबर जो कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो एक्सटर्नल नंबर है 50 नंबर का आईएमईडी होगा, और 50 नंबर की थ्योरी है और प्रैक्टिकल इसका नहीं है, और 20 नंबर इंटरनल आईएमईडी जो कॉलेज तरफ से दिया जाएगा, टोटल 70 नंबर। वैसे 50 नंबर का जो एग्ज़ाम देना है थ्योरी का। नेक्स्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसका भी वीकली 5 क्लास है। इसमें भी कॉलेज की तरफ जो इंटरनल मार्क दिया जाएगा 20 नंबर का, इसका जो थ्योरी है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का 50 नंबर का, और इसका प्रैक्टिकल नहीं है, यानी टोटल 50 नंबर। एक्सटर्नल 50 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर इंटरनल कॉलेज तरफ से मिलेगा, टोटल 70 नंबर। नेक्स्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्कार्ड है, इसमें वीकली 6 लेक्चर है इसका, और इसमें 20 नंबर थ्योरी जो इंटरनल मार्क है, 35 नंबर प्रैक्टिकल जो कि इंटरनल मार्क है, यानी टोटल पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कार्डा का इंटरनल मार्क 55 नंबर का है जो कॉलेज तरफ दिया जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसका थ्योरी पेपर, और 70 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है, यानी टोटल 120 नंबर एक्सटर्नल और 55 नंबर इंटरनल, टोटल मिलाकर 175 नंबर का है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि वीकली 6 लेक्चर है, इसमें 20 नंबर इंटरनल थ्योरी है, 35 नंबर इंटरनल प्रैक्टिकल, यानी टोटल कॉलेज तरफ से 55 नंबर दिए जाएंगे, और 50 नंबर का इसका पेपर होगा थ्योरी, और 70 नंबर प्रैक्टिकल है, यानी टोटल एक्सटर्नल जो 120 और इंटरनल 55 नंबर, यानी टोटल 175 नंबर के हैं। आगे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक बार और रिवीजन कर देना है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कंट्रोल इलेक्ट्रिकल मशीन, एनर्जी मैनेजमेंट, चारों में से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चलेगा। जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा वो वीकली 6 लेक्चर होगा इसका, 20 नंबर का थ्योरी होगा जो इंटरनल कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, और 50 नंबर का थ्योरी इसका पेपर होगा, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, यानी टोटल एक्सटर्नल 50 नंबर और इंटरनल 20 नंबर, यानी टोटल 70 नंबर इसका है। और स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, इसमें डिसिप्लिन और गेम का जो नंबर होता है 30 नंबर का, जो कॉलेज तरफ से इंटरनल दिया जाता है, तो इसमें एक्सटर्नल मार्क्स नहीं होता है, टोटल 30 नंबर। इस तरह से जो टोटल मार्क है इंटरनल और एक्सटर्नल का फिफ्थ सेमेस्टर में 640 नंबर का है। इसमें जो इंटरनल है 200 नंबर और एक्सटर्नल 440 नंबर, ये 200 जो नंबर है कॉलेज तरफ से मिलेंगे, और जो 440 नंबर है इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर होगा। इस तरह से जो फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का है वो टोटल 640 नंबर का होगा। थैंक यू।